हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियोस। होप आप सब अच्छे होंगे। आप मेरी ये इमेज देख के पहचान ही गए होंगे कि आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ब्रेड रोल की रेसिपी। कुछ लोगों को तो ये ऑलरेडी आता है, बहुत कॉमन है, कुछ लोगों को नहीं आता। तो मैं आज बनाई थी, सोचा तो मैंने डाल दूँ ये वीडियो अपने चैनल पर। तो मैंने ये ब्रेड ले लिया है, वाइट ब्रेड। इसके ज़्यादा अच्छे बनते हैं, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। साथ में मैंने ये अपना आलू उबाल लिया है, थोड़ा सा प्याज कट कर लिया है बहुत बारीक बारीक, हरी मिर्ची, और मैंने अदरक भी छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया है। तो जब तक मेरे आलू ठंडे हो रहे हैं, तो मैंने सोचा अपने ब्रेड्स की कटिंग कर दूं। तो हमें ब्रेड रोल के लिए हमेशा ब्रेड के कॉर्नर्स को कट करना होता है, बिकॉज ये हार्ड होते हैं। आप जब भी इनका रोल बनाएंगे तो वो रोल आपका बन ही नहीं पाता, वो रोल खुल जाता है। तो ये आपको जस्ट कॉर्नर्स कट करने हैं, बीच का हिस्सा आपको निकालना है ब्रेड्स का। तो मैंने जो ब्रेड्स लिए थे, मैंने कहा तब तक मैं साइड बाय साइड ये काम कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आपको उनको कट कर लेना है। बिल्कुल सेम ऐसे ही मैं बाकी ब्रेड्स को भी कट कर रही हूँ। ये जो कॉर्नर्स हैं इनको फेंकना नहीं है, इसका हम कुछ और बनाएंगे। तो ऐसे ब्रेड्स कट कर लिए हैं, मेरे आलू मैंने छील लिए, उस पर मैंने अपना कटा हुआ प्याज ऐड कर लिया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ मसाला। तो जो भी इसकी स्टफिंग होगी अंदर, वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बना रही हूँ। आलू में मैंने प्याज डाल लिया है, अब मैंने हरी मिर्ची एक डाल ली है और थोड़ा सा अदरक डाल लिया है बहुत बारीक बारीक काट के। इसमें नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक मिर्च के अलावा मैंने यहाँ पे कोई और मसाला नहीं डाला, बिकॉज मेरी फैमिली में बहुत सिंपल खाते हैं, ज़्यादा मसाला वाला कुछ और एडिशन नहीं कराते। आप इसमें कोई भी मसाला डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये मेरा मसाला रेडी है। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, बहुत यमी लगता है। मेरे पास इस टाइम ख़त्म था तो मैं नहीं डाल पाई। और आपको अब एक ले लेना है अलग से प्लेट में पानी। अब इनको हम करेंगे डिप। साथ ही साथ आप अपनी कढ़ाई चढ़ा दीजिएगा, उसमें आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो ऑयल ले लीजिए फ्राई करने के लिए। अब इस ब्रेड को हम प्रेस करके इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकाल देंगे। पानी निकालने के बाद अच्छे से इसमें अब हम करेंगे स्टफिंग। तो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, अदरवाइज़ आपके ब्रेड रोल्स फट जाएंगे। और जैसे ही आप कढ़ाई में डालेंगे तो वो ब्रेड रोल फट के आलू बाहर आ जाएगा। तो आपको बहुत क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए बनाना है। अब इसको हम अच्छे से रोल कर देंगे। आप ब्रेड रोल को कोई भी शेप दे सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगता है। और इस तरीके से आपको उसको फोल्ड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, नहीं तो स्टफिंग बाहर आ जाएगी। क्योंकि लेयर ब्रेड का गीला है तो वो भी जो आप उसको पोजीशन देंगे वो उसमें ही हो जाएगा। ये देखिए कॉर्नर्स अच्छे से बंद कर दिए हैं, कहीं से भी ब्रेड रोल मेरा फटा नहीं है। ऐसे ही मैंने बाकी रेडी कर लिए हैं। तेल मेरा गर्म हो चुका है, मैंने हल्का सा डाल के देख लिया है इसमें। तेल गर्म है तो मैं इसमें आराम आराम से अपने रोल्स को रख दूँगी। और थोड़ा सा मेक श्योर कि डिस्टेंस पे रखें, एक साथ ना रखें, नहीं तो चिपक जाते हैं। और जितने भी डालने आप एक बार में डालें। मेरी कढ़ाई में चार जा रहे थे, मैंने चार डाले। अब धीरे धीरे इनको आप पलट दीजिए, और आपको मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है, क्योंकि धीरे धीरे फ्राई होकर जब बनते हैं ना तो बहुत यम्मी लगते हैं। एक साथ भी बहुत जल्दी बन सकते हैं, एकदम ब्राउन हो जाएंगे, बट जो धीरे धीरे पकते हैं उसका टेस्ट ही अलग होता है। ये देखिए ऑलमोस्ट डन हो चुका है, अब मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बहुत यमी लगते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। ये मेरा जो फर्स्ट लॉट था वो रेडी हो गया है। ये देखिए कितना प्यारा टेक्सचर आया है इसका, जैसे खाएंगे क्रंची क्रंची, बहुत यमी लगते हैं। काफ़ी टाइम से मेरे घर नहीं बने थे, तो आज सोचा संडे है तो ये बना लेती हूँ। ये गया मेरा सेकंड स्लॉट। तो ऐसे ही मेरे ब्रेड रोल बनके तैयार हैं। आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे आप लोग खाते हैं, चाय के साथ लेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। बाय बाय।